What is up, guys? How are you all? I hope you all are doing well. आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच तरीके जिससे आप अपने फ़ोन की अंदर की सुंदरता को निखार सकते हैं। अपने आपका फ़ोन कितना घटिया से घटिया हो पर आप उसको अच्छा बना सकते हैं थोड़े से ही वैसे। बाकी तो आपका फ़ोन घटिया तो कौन क्या कर सकता है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरा फ़ोन घटिया है क्या कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज मैं आपको पांच तरीके बताऊंगा, मैं कहते थे सुंदरता बता पढ़ाएंगे पर आधे इसमें कस्टमाइजेशन नहीं होंगे, आधे आपके हेल्थ के संबंधित इश्यू होंगे, तो उससे आपके हेल्थ को थोड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि आप पूरे दिन फ़ोन चलाते रहते हो, मम्मी पापा की डांट खाते हो, मम्मी की हेल्प करते नहीं हो। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारा टाइम पास करने के लिए, तुम्हारा भाई बैठा है ना इधर टाइम पास। हाँ टाइम पास ही है। तो देखो पांच तरीके, इसमें पांचवा है वॉलपेपर। हमारे फ़ोन में वॉलपेपर लगता है आपको पता होगा, पता है ना? हाँ, तो उसमें आपके डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर होते हैं, जो अंकल आंटी होते हैं वो डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। हमारे जो देश के नए बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, वो तो पता ही हमेशा कस्टमाइज़ करते ही हैं। पर मैं आपको एक फैक्ट बनाना चाहता हूँ, फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो डार्क कलर की वॉलपेपर यूज़ करते हैं उनका दिमाग उसी तरह से वो होता है, उनकी दिमाग की उसी तरह से ग्रोथ होती है, और जो उनका लाइट वॉलपेपर होता है उनकी दिमाग की ग्रोथ उस हिसाब से होती है। मेरा कहने का मतलब है डार्क वॉलपेपर अच्छा नहीं होता हमारे लिए, अच्छा नहीं होता मतलब हमारे दिमाग के लिए, जो हम उनको रोज देखते हैं उससे हम अच्छा नहीं लगता ऐसे, और जो आधे हमारे इशू बनते हैं सर में दर्द होता है ऐसा होता है। लाइट वॉलपेपर से हमारे दिमाग में जोर कम पड़ता है और सर में दर्द इतना नहीं होता है। आप जब देखते होंगे आपके फ़ोन में डार्क वॉलपेपर है तो आपको सर में दर्द होता होगा, ये शायद इसी वजह से होता है क्योंकि वॉलपेपर का देखते हो आप, है ना, ऐसा ही होता है। ये मैंने बहुत रिसर्च करके पता लगाया है, अगर आपको दिक्कत है तो आप सर्च कर सकते हैं, भरोसा नहीं है भाई के ऊपर तो। और चौथा, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं पढ़ाई करते हैं घर में बैठे बैठे, और जो टैक्स देखने में उनको दिक्कत होती है, वाइट एकदम स्किन होती है, उनकी आँखों में बहुत दर्द होता होगा, मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट हूँ। आप चालू करो अपने फ़ोन का रीडिंग मोड, क्या ब्लू लाइट फिल्टर, इससे आपकी फ़ोन की जो लाइट है वो थोड़ी येलोइश निकलेगी, तो उससे आपको आँखों को ज़्यादा जोड़नी पड़ेगा, उसको नाइट मोड है कि अगर रात वही लाइट मोड वही हुआ कि रात को तो उसकी लाइट येलोश हो जाएगी और आपकी आंखों को ज़्यादा जोड़नी पड़ेगा। तो ये हो गया हार्मफुल, जो मतलब जो होती लाइट्स होती है वो मतलब थोड़ी कम हो जाएगी। और थर्ड वाला है, आप अपने फ़ोन की रिंगटोन बदलिए, ये कस्टमाइजेशन का ही हो गया। रिंगटोन बदलोगे आवाज़ अच्छी आएगी, आपका फ़ोन अच्छा लगेगा, बस सुनने में दिखने में नहीं। हाँ तो आप रिंगटोन चेंज कीजिए और बताइए अभी आपके आप फ़ोन में कौन से रिंगटोन है कमेंट सेक्शन में। सेकंड, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, काला, आपको पता होगा काला, ब्लैक इज लव। अब अपने फ़ोन को लाइट मोड से डार्क मोड में कर दीजिए, उससे क्या होगा, उससे आपकी आँखों में कम जोर पड़ेगा और आपके फ़ोन की बैटरी कम यूज़ होगी। हाँ बैटरी कम यूज़ होगी, बहुत खुश हो रहा ना बैटरी के नाम से। तो अपने फ़ोन में जाओ, सेटिंग में जाओ, डार्क मोड ऑन करो, उससे क्या होगा आपके फ़ोन की जो लाइट निकलती है ना वाइट कलर की, वो काले पर परिवर्तित हो जाएगी। मेन्यू में जो सेटिंग्स होती है ना, जो आधी चीज़ें होती है वो काली हो जाएगी, जैसे इंस्टाग्राम की फीड वो भी काली होती है, बहुत सी चीज़ें काली हो जाएगी उससे, तो आपकी आँखों में ज़्यादा जोड़नी पड़ेगा। और उससे जो आपके पिक्सल से जो लाइट आती है तो पिक्सल में लाइट कम जाएगी क्योंकि वो ब्लैक हो जाएगी, तो उससे आपकी आँखों में ज़्यादा फर्क वो जोड़नी पड़ेगा और बैटरी कम यूज़ होगी। हाँ और लास्ट वाला, हाँ जी बिल्कुल लास्ट, जो लोग सोते हैं उनको नींद नहीं आती, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं कि अपने फ़ोन का एयरप्लेन मोड या अपने फ़ोन को स्विच शट डाउन कर दीजिए। तो उससे होगा क्या, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, देख लो आपको जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या, आपके जो जो रेडिएशन निकलती है फ़ोन से वो कई हद तक कम हो जाएगी, और वो कम होगी तो आपको शायद अच्छी नींद आ सकती है, मतलब ये आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है, तो इसलिए आपको आधी रीज़न हो सकता है कि नींद नहीं आती। तो ये मेरे कुछ वो थे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो घंटा है उसको घंटा बजा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो की कौन सा वीडियो देखना है अगला। प्रियांशु वाले शायर साइनिंग ऑफ।